में या फिर कोई भी सर्कुलर वगैरह आता है तो उसमें ये अपडेट दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट वालों के लिए स्टेट गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है कि उनको कितना क्या देना है, किस तरीके के अलाउंस देने हैं। तो ये जो भी आप लोगों के एचआरए वगैरह जितने भी अलाउंस मिलते हैं, गवर्नमेंट ही आप लोगों का डिसाइड करेगी कितना बढ़ेगा और कितना नहीं बढ़ेगा। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि डीए आपका हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। ये आपका मार्च के अप्रॉक्स होगा जो अगला डीए बढ़ेगा, और जो उसके बाद बढ़ेगा वो सितंबर या फिर अक्टूबर में। तो ये जो मंथ है इनको आप ध्यान रखिएगा, और इन्हीं में आप लोगों के डीए की अपडेट्स आती हैं और आप लोगों को मिलना शुरू होता है। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो पाए, और जो वो बैठे हुए हैं कि ऑटोमेटिकली होगा या फिर किस तरीके से होगा वो उनको पता चल पाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। चैनल पर नए इस तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।